हेलो दोस्तों, आज की मूवी शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मूवी का क्लाइमेक्स पक्का आपको शॉक कर देगा, तो बस वीडियो को लाइक करके इसे एंड तक एंजॉय करना। सो नाउ, अब मूवी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ ब्रैड अपनी बीवी सारा और बेटे टिम के साथ अपनी जॉब के लिए निकला। असल में सारा अपने बेटे टिम को आज मूवी दिखाने ले जा रही थी, जैसे बीच टिम ने ब्रैड से एक पपी मांगा तो ब्रैड ने उसे मना कर दिया क्योंकि अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। हाँ, मूवी देखने के लिए तो बहुत पैसे हैं। खैर, तो अब ब्रैड थिएटर पर इन्हें ड्रॉप करके बोला कि सारा टिम का ध्यान रखना, साथ ही कैब लेकर वापस घर चले जाना। जिसके थोड़ी देर बाद ये दोनों एक कैब लेकर वापस घर जाने लगे, जिस बीच हमें पता चला कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं चेंड। तो नाउ अब ये कैब से वापस घर जा ही रहे थे, लेकिन तभी ये ड्राइवर कैब को इनके घर की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही तरफ ले जाने लगा, जो देखकर सारा ने हल्ला मचाया। तो ड्राइवर ने गाड़ी बीच खेत में खड़ी करके सारा को एक घूसे में शांत कर दिया, जिसके बाद वो इन्हें शहर से दूर अपने घर में लाया, जहां गैराज में से वो सारा को अपने घर में ले गया। तब ये देखकर बेचारा टिम काफी घबरा रहा था, क्योंकि वो अभी इतना छोटा था कि उसने डर के मारे अपनी पैंट में ही मूंद दिया। खैर, तो अब कुछ देर बाद वो ड्राइवर बॉब जब बाहर आया तो हमें पता चला कि उसने सारा को मार डाला। साथ ही अब वो टिम को भी अपने घर में ले आया, जहां टिम ने खुद को छुड़ाने के लिए बॉब की गोटी भी गायब करी, लेकिन उसका बॉब पर कुछ असर नहीं हुआ। साथ ही वो बोला कि अब तुम्हारी मॉम कभी वापस नहीं आएगी, जिसके बाद उसने टिम को ऑर्डर दिए कि अब से तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे, जिसमें कि घर की सफाई, मेरा नाश्ता, खाना पीना, मेरे आते ही गेट खोलना, ये सब तुम्हें करना होगा। साथ ही तुम्हें सिर्फ मेरा झूठा खाना मिलेगा, और तो और तुम्हें रोज न्यूज़पेपर में से मेरे किए हुए क्राइम की न्यूज को काट कर एक नोटबुक में चिपकाना होगा, ताकि वो अपनी अचीवमेंट का रिकॉर्ड रख सके। और अगर इस बीच टिम ने भागने की कोशिश करी तो वो उसे भी मार देगा। तो अब थोड़ा बॉब के बारे में बताऊं, तो असल में वो एक सीरियल किलर है, जो कि रोज एक नई वुमेन को अपने घर में लाकर उसके साथ बिना फोल्डर के डेटा ट्रांसफर करके उसे मार देता था, और मारने के बाद वो उनकी बॉडीज को अपने घर के बेसमेंट में ही गाड़ देता। तो नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहाँ एक दिन टिम को न्यूज़पेपर में अपनी और सारा की मिसिंग रिपोर्ट दिखी, जिसे देखते ही उसने यहाँ से भागने का सोचा, तो वह इस घर के एटिक में आ गया। लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर आया तो देखा कि बॉब उसे ही देख रहा है। असल में ये पूरा घर कैमरा से भरा हुआ था, जिससे कि बॉब ने टिम की हरकत पकड़ ली, जो देखकर टिम काफी चिल्लाने लगा, तो बॉब ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो जानता था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। इसलिए तब उसने टिम को यहाँ से भागने का एक मौका भी दिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता कि इतने में बॉब ने उस पर पत्थर से हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद अब उसने टिम को नाम दिया रैबिट, और इस रैबिट को इसने एक चेन के साथ बांध दिया, ताकि वो सिर्फ घर के काम के अलावा और कहीं ना भाग सके। खैर, तो अब ये सिलसिला रोज चलने लगा, जिसमें बॉब रोज एक वुमेन को अपने घर में लाकर उसके साथ उठा पटक करके उसे मार देता, जिसकी यहाँ रिकॉर्डिंग भी होती रहती कि कैसे ये मर्डर हुआ, साथ ही कैसे टिम सारी जगह को साफ कर रहा था, क्योंकि अब वो धीरे धीरे इस रूटीन में ढल चुका था, जहाँ इन्हें इस रूटीन को फॉलो करते हुए पूरे 9 साल बीत गए, जिसमें कि अब टिम भी काफी बड़ा हो गया।
वेल, अब ऐसे ही एक दिन जब बॉब ने अपने पैसेंजर्स को पिक किया तो देखा कि इनमें से जो बाप था वो अपने बेटे को काफी बुरा भला बोलकर मार रहा था, जो सुनकर उसे भी अपने डैड की मार पिटाई याद आने लगी कि कैसे वो बॉब को प्रसाद देते रहते थे। इसलिए तब उसे लगा कि शायद उसे टिम का अच्छा फादर बनना चाहिए। इसलिए तब उसने टिम को एक बुक दी जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे। असल में बॉब चाहता था कि टिम भी जल्दी से उसकी तरह बनकर घर से बाहर जाने लगे, लेकिन टिम को तो ये सब पसंद ही नहीं था, इसलिए तब उसने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। जो देखकर बॉब ने उसे कुछ फोटो दिखाई कि देखो कैसे तुम्हारे डैड ब्रैड ने दूसरी शादी कर ली है, यानी कि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते और अब इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। जो देखकर टिम को लगा कि भले ही मैं बॉब जैसा ना बनूं, लेकिन एजुकेशन तो ले ही सकता हूं। इसलिए तब उसने यहाँ बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। अब ऐसे ही एक दिन जब बॉब एक औरत को मार रहा था तो बीच ट्रांसफर में ही बाहर आ गई, जिसे देखकर टिम तो डर गया, लेकिन बॉब ने पीछे से उस वुमेन का पूरा डेटा ट्रांसफर कर दिया, जो देखकर टिम काफी डर गया क्योंकि ये पहली बार उसके सामने लाइव मर्डर हुआ था। खैर, तो बॉब टिम से काफी कैजुअल होने लगा, जिसे बीच टिम को एक दिन एक औरत के सामान में से एक नाइफ मिल गया, जिसे लेकर उसने सोचा कि अब इस चाकू से वो इस बॉब के धागे खोल देगा, जिसके लिए वो रूम के पास भी आया, लेकिन तभी उसे बॉब के रोने की आवाज आने लगी। असल में बॉब को अपना ट्रॉमा याद आ रहा था कि कैसे बचपन में उसके एब्यूजिव डैड ने खुद बॉब से बॉब की मॉम का रेप कराया, जो चीज बॉब का छोटा भाई भी देख रहा था, लेकिन फिर उस दिन बॉब ने अपने डैड को ही मार दिया, जिसके बाद से अब उसे ये फ्लैशबैक आते रहते हैं। खैर, तो अब ये आवाजें सुनकर टिम ने अपने पहले मर्डर का प्लान यहीं ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसकी वजह से उसे अब खुद भी अजीब सपने आने लगे, जिसकी वजह से वो रात को सपने में रोने लगा। तब ये देखकर अगले दिन बॉब ने उसे एक स्कूल मैगजीन दी कि बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की चाहिए, जिस पर पहले तो टिम ने मना किया, लेकिन जब बॉब ने उसे थोड़ा प्रसाद दिया तो टिम ने आंख बंद करके कोई भी लड़की सेलेक्ट कर ली। मुझे पता है कुछ ऑडियंस सोच रही होगी, काश हमें ये ऑप्शन मिलता है ना, बस सुधर जाओ। खैर, तो शाम होते ही बॉब टिम की चूज करी हुई लड़की एंजी को यहाँ ले आया, जहाँ उसने टिम को एक चाकू देकर उसे एंजी के साथ अकेला छोड़ दिया, ताकि टिम एंजी को छोड़ने के बाद उसे मार दे। लेकिन टिम तो एंजी से बात करने लगा, जहाँ एंजी को भी पता चल गया कि वो 9 साल की उम्र से यहाँ बंद है, जिसकी वजह से उसने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ। तब ये सुनते ही एंजी टिम की वर्जिनिटी लूज कराने लगी कि शायद फिर टिम उसे छोड़ देगा, लेकिन इस बीच यहाँ बॉब आ गया, जिसके प्रेशर में आकर टिम ने एंजी पर कैंची चला दी, जिसके बाद वो गुस्से में बॉब से बोला कि हमें अकेला छोड़ दो। अब कुछ देर बाद उसने एंजी की बॉडी को बेसमेंट में दफनाया और फिर बॉब से बोला कि मुझे और भी लड़कियां चाहिए, जो सुनकर बॉब खुश हुआ कि फाइनली ये मेरा सैंपल तैयार हो गया। इसलिए तब उसने अगले दिन टिम को नए कपड़े और चेयर वगैरह भी दे दी, ताकि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला सके। शुक्र है सिर्फ कंधे से कंधा ही मिला रहे हैं। खैर, तो बॉब टिम को इतने सालों में घर से बाहर लाया, जहां आज ये दोनों एक साथ शिकार पर जाने वाले थे। तब इस टैक्सी को देखकर टिम की 9 साल पुरानी यादें ताजा हो गई, जहां इसके बाद ये लोग अपने शिकार पर निकल गए। तब बॉब उसे कहने लगा कि बताओ
कौन सी वाली का शिकार करना है, लेकिन टीम अभी किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था। जिस बीच एक कॉलेज के पास पहुंचकर बॉब ने देखा कि उसकी गाड़ी पर हेल्प लिखा हुआ है। तब ये देखते ही वो टिम का गेम समझ गया कि असल में टिम उसके जैसा बना ही नहीं, और उसके जैसे नहीं बना तो यानी उसने एंजी को भी नहीं मारा होगा। तभी हमें उस रात का सच दिखाया गया कि कैसे टिम ने एंजी को उस जगह मारा था जहां पर हमला होने के बाद भी इंसान 2 दिन तक जिंदा रह सकता है, और उसने ये सब उन बुक से ही सीखा था। इसलिए तब वो एंजी को जिंदा हालत में ही बेसमेंट में डालकर हेल्प के लिए बाहर आया था। लेकिन अब तो बॉब घर पर पहुंच गया जहां वो टिम को कार में ही छोड़कर एंजी को मारने भागा। लेकिन तभी इतने में टिम को भी होश आया तो उसने अंदर जाने की कोशिश करी, जिस बीच बॉब एंजी को मारता कि इतने में एंजी ने उसके पैर पर उसी चाकू से हमला किया जो कि टिम ने उसे दिया था। तभी यह टिम भी पहुंच गया जिसने बॉब पर हमला तो किया, लेकिन बॉब था मोटी चर्बी का आदमी तो उस पर इस सूकड़े का क्या ही असर होगा। सही बात है, लेकिन सूकड़े के हाथ में चाकू आ गया तो पूरा असर होगा, जो कि हुआ भी। तो अब टिम ने बॉब का खेला करके एंजी को रेस्ट की जगह दे दी। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, तो इसलिए अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो दोस्तों। खैर, तो अब टिम यहां से अपने डैड ब्रैड के घर पर पहुंचा जहां ब्रैड ने अब दूसरी शादी कर ली थी। तो अब जब ब्रैड ने उसे देखा तो वो टिम को नहीं पहचान पाया, जिस पर टिम ने फिर से ब्रैड से वही पप्पी मांगने वाली बात कही कि डैड मुझे पप्पी चाहिए, जो सुनकर ब्रैड को टिम की याद आ गई। तभी हमें यहाँ ब्रैड की दूसरी बीवी भाभी टू भी दिखी, जिसके साथ ब्रैड का एक बेटा कॉलिन भी था। तभी टिम ने ब्रैड को एक बहुत भयंकर लेटर दिखाया, जिससे पता है दोस्तों क्या रिवील हुआ कि असल में ब्रैड बॉब का छोटा भाई है, जिसने खुद बॉब को पैसे दिए कि वो उसकी बीवी और बेटे को ठिकाने लगा दे, ताकि फिर वो एक नई अमीर औरत से शादी करके अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से जी सके। तब ये पता चलते ही ब्रैड टिम को बाहर निकालने लगा, लेकिन इस बीच भाभी टू ब्रैड को रोकने लगी, जो देखकर वो भाभी टू पर भी चढ़ गया कि तू रोकेगी मेरे को, और ये कहते हुए वो उसे मारने भी लगा, जो देखकर टिम ने ब्रैड पर हमला किया और इस ब्रैड को यहीं सेक दिया। तब इस कांड में भाभी टू ने टिम का साथ दिया और पुलिस को ये रिपोर्ट करी कि किसी अनजान आदमी ने रॉबरी के चक्कर में मेरे पति को मार दिया, जिसके बाद यहाँ टिम, जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो वापिस ब्रैड के घर में ही आ गया। लेकिन एक मेजर ट्विस्ट ये कि शायद अब टिम भी बॉब की तरह साइको किलर बन चुका है, क्योंकि हमें मूवी की एंडिंग पर टैक्सी के स्टार्ट होने की आवाज आई थी। साथ ही जिस तरीके से टिम का बचपना निकला उस हिसाब से वो पक्का साइको किलर ही बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, टिम सीरियल किलर बनेगा या नहीं? बाकी इस मूवी का ट्विस्ट आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम्हारी मर्जी है। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।